हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं आपका दोस्त, आपका सखा, आपका मित्र संजीव सहाय, और आज हम मिलके करेंगे योग निद्रा। ये योग की आसान सी प्रैक्टिस है जो हर कोई कर सकता है, और इसका नतीजा बहुत ही शानदार, बहुत ही जादुई, चमत्कारी होता है। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी कर सकता है, जो भी उम्र हो, जैसी भी अवस्था हो। यहां ये बताना जरूरी है, जो संचालक हैं, जो सिखा रहे हैं और जो सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग निद्रा और हिप्नोसिस दो अलग विधाएं हैं। मैं संजीव सहाय आपको योग निद्रा पूरी शुद्धता के साथ बताने वाला हूं। योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद या मनोवैज्ञानिक नींद, और ये वो नींद है जिसमें साधक को, यानी आपको, जागते हुए सोना है। सोने और जागने के बीच की जो स्थिति है वो है योग निद्रा। आप उसे स्वप्न और जागरण के बीच की भी स्थिति मान सकते हैं। Altered state where the body is consciously asleep, but awareness is present. That is योग निद्रा। पीठ के बल लेट जाइए, शवासन की मुद्रा में, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला, हथेलियां ऊपर की तरफ। शवासन तो आप समझते ही होंगे। आंखें बंद कर लीजिए, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है, मेरी बातें सुननी है, उसे आराम से करते जाना है जितना आप कर सकें। अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है। योग निद्रा में न सोना है न जागना है, ये एक बीच की स्थिति है जो आप खुद ब खुद प्राप्त कर लेंगे। तो आपकी आंखें बंद, शरीर शिथिल, और आप रिलैक्सेशन के पोज में, जिसे हम शवासन कहते हैं। इस अभ्यास में जब मैं शब्द का प्रयोग मैं करूंगा तो वो आपके लिए होगा, उसका चिंतन आपको खुद के लिए करना है। मैं शरीर नहीं हूं, ये आप खुद से बोल रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अपने शरीर को फर्श पर लेटा हुआ देख रहा हूं। जो यहां पर लेटा है, मैं उस शरीर को, उस बॉडी को देख रहा हूं। मेरी सांस अंदर आ रही है, मेरी सांस बाहर जा रही है। मैं खुद सांस नहीं हूं, मैं महसूस कर रहा हूं मेरी सांस का आना, मेरी सांस का जाना। मैं खुद दिल की धड़कन नहीं हूं, मैं धड़कन को देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, विटनेस हूं।
मैं प्राण नहीं हूं, मैं जीवन नहीं हूं, मैं जीवन को देखने वाला हूं, साक्षी हूं। आप अपने प्राण से अलग हैं, अपने शरीर से अलग हैं, अपनी सांसों से अलग हैं, अपने विचारों से अलग हैं। आप इन सब चीजों की, इन सब हरकतों की, इन सब एक्टिविटीज के साक्षी हैं, दृष्टा हैं, विटनेस हैं। जीवन में लक्ष्य की जरूरत है, संकल्प की आवश्यकता है। कहीं निकलते हैं, जहां पहुंचना है वो एक संकल्प होता है। तो ये वो वक्त है जब आप खुद एक संकल्प लेंगे डिटर्मिनेशन के साथ और उसे सुनिश्चित करेंगे। यहां पर जैसे मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है, वो संकल्प आप स्वयं लेंगे, खुद तय करेंगे। तो आराम से सुनिश्चित कीजिए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिएगा। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, निरंतर। शरीर के भिन्न विभिन्न अंग में, जहां मैं आपको चेतना ले जाने के लिए कहूंगा, उसका ध्यान कीजिएगा। मन में ध्यान करना है, ध्यान करना है, सोना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है। दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, छोटी उंगली, हथेली, कलाई, दाई कोहनी, दाया कंधा, दाई कमर, दाई जांग, दाया घुटना, एड़ी, तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। अब चलिए बाएं तरफ चलते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवीं उंगली, हथेली, कलाई, बाएं हाथ की कोहनी, बायां कंधा, बाईं कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवीं उंगली। मेरी आवाज सुनते जाइएगा, सोना नहीं है। योग निद्रा में
सोना नहीं है, बस मेरी आवाज सुनते जाइएगा। दाया हाथ पूरा, बाया हाथ पूरा, पूरी पीठ, पूरी छाती, पीछे का पूरा हिस्सा, सामने का पूरा हिस्सा, पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, पूरा बदन, दाई आंख, बाई आंख, दोनों के बीच का हिस्सा, दाया गाल, बाया गाल, मस्तक, फोरहेड, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, दाई नासिका छिद्र, बाई नासिका छिद्र, पूरी नाक, होंठ, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दोनों होंठ एक साथ, द चिन, ठुड्डी, गर्दन, गला, छाती, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, सामने का पूरा शरीर, पीठ और बाकी हिस्से जो फर्श को छू रहे हैं उनका ध्यान, सिर का पिछला हिस्सा, दोनों कंधे और नितंब, पूरा शरीर, पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर, आपका शरीर और फर्श जहां जहां छू रहे हैं वहां वहां आप ध्यान ले जाइए, एक के बाद एक। शरीर और जमीन का जहां जहां संपर्क होता है वहां वहां ध्यान ले जाना है। सिर का पिछला भाग, आपके कंधे, पीठ के वो हिस्से जो फर्श को छू रहे हैं, नितंब, एड़ी, सारा पिछला भाग, सारा पिछला भाग आपके शरीर का पूर्ण पिछला भाग, याद दिला दूं आपको, सोना नहीं है, जागते रहना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तो ख्याल कीजिए अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर, मूलाधार चक्र आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस जगह पर, सबसे निचला भाग रीढ़ की हड्डी का निचला भाग जहां मूलाधार चक्र है वहां अपना ध्यान ले जाइए। पूरा विवरण नहीं दूंगा क्योंकि वो कुंडलिनी मेडिटेशन का विषय है। मूलाधार चक्र, फिर ऊपर आइए स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, वापस सहस्रार से आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। अब शुरू होती है धारणा, धारणा, मेरी बात सुनते जाइए और जो जो मैं कहूं वो चित्र चिदाकाश में, अपने मन के आकाश में बनाना है।
धारणा करना है। ये क्रिया तेज गति से होनी है, उसमें बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, बस आराम से चित्र बनाना है अपने मन के आकाश में। प्रारंभ करते हैं। हिमालय पर्वत, बर्फ ढका हुआ पहाड़, समंदर, नीला नीला पानी समंदर का, सूर्योदय, गहरी अंधेरी रात, बारिश का मौसम, हल्की हल्की बारिश, उमड़ते घुमड़ते बादल, पंछियों का चहचहाना, तपती हुई जमीन और चमकता हुआ सूरज, आग उगलता हुआ सूरज, ठंडी रात, पूर्णिमा का चांद, रेगिस्तान, रेत के टीले, आंधी तूफान, सब शांत, अब सब शांत, खामोश, हर जगह शांति छाई हुई, खामोश, बिल्कुल खामोशी, सब शांत। आप अपने लेटे हुए शरीर को खुद देख रहे हैं, आप दृष्टा हैं, आप विटनेस हैं, आप साक्षी हैं। यहां वो संकल्प दोहराइए जो आपने पहले सुनिश्चित किया हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार। जागते रहना है, सोना नहीं है। आप लेटे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, जागृत अवस्था में हैं। जब तीसरी बार हरि ओम तत्सत बोलूं, तब आंखें खोलिएगा। अभी हम दोनों मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। आप आराम से उठ के बैठ जाइए, आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें बंद, आराम से उठ के बैठ जाइए। शांत
शांत मन से ओम का उच्चारण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। योग निद्रा का आपका अनुभव कैसा रहा अवश्य बताएं। मैं संजीव सहाय आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।